हेलो दोस्तों, मैं हूं चंद्र सागर। आप सभी का मैं स्वागत करता हूं हमारे चैनल कुछ भी। आज दोस्तों बात करने वाले हैं आरबीआई की न्यू जॉब नोटिफिकेशन के बारे में। पर वीडियो शुरू करने से पहले दोस्तों मैं आपको कुछ बताना चाहता हूं। जैसा कि आप सबको पता है दोस्तों कि हमारे चैनल पे ट्रैक थोड़े चेंज हो रहे हैं। पहले कुछ एडिटिंग वीडियो आती थी, उसके बाद सॉन्ग अपलोड करने शुरू कर दिए मैंने। अब मैं वापस से आ चुका हूँ जॉब रिलेटेड और एडिटिंग वीडियो के साथ दोस्तों। तो उसके लिए दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मेरे कुछ पर्सनल प्रॉब्लम की वजह से मेरे पास टाइम नहीं मिल पा रहा था आपके लिए वीडियो बनाने। तो जैसे ही मेरे को टाइम मिलना शुरू हो गया, मैं वापस आ चुका हूँ आपके लिए अर्निंग वीडियो और जॉब रिलेटेड वीडियो के साथ दोस्तों। तो आज से पहले जो भी हुआ दोस्तों उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ आपसे। पर आज के बाद हमारे चैनल पे आपको जॉब रिलेटेड वीडियो मिलेंगे, पब्लिक सेक्टर प्राइवेट सेक्टर सबके आपको वीडियो मिलेंगी और सबकी डिटेल बताई जाएगी हमारे चैनल पे। और दोस्तों ऑनलाइन अर्निंग के सोर्सेज आपको बताए जाएंगे, किसी वेबसाइट के बारे में बताया जाएगा, किसी एप्लीकेशन के बारे में बताया जाएगा जिसके थ्रू आप ऑनलाइन अर्निंग कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों आज के हम वीडियो शुरू करते हैं। आज की वीडियो में दोस्तों आरबीआई ऑफिसर ग्रेड सी की जो नोटिफिकेशन इशू हुई थी उसके बारे में हमारी ये वीडियो। तो इसमें दोस्तों आरबीआई ने 61 पोस्ट के लिए नोटिफिकेशन इशू किया है। मैं थोड़ा साइड हो जाता हूँ, आपको मेरे राइट हैंड साइड दिख जाएगा कौन कौन सी पोस्ट है उसके लिए एलिजिबिलिटी क्या क्या है दोस्तों। तो आप वो सब देखिए दोस्तों। तब तक मैं आपको एक चीज बताता हूँ, ये जो जॉब है आरबीआई की, आप सबको लग रहा होगा कि ये गवर्नमेंट परमानेंट जॉब है, पर मैं आपको बताना चाहता हूँ दोस्तों कि आप इसे गवर्नमेंट जॉब कह सकते हैं पर आप इसे परमानेंट जॉब नहीं कह सकते, क्योंकि गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट पे भी लोगों को जॉब दे रही है दोस्तों। तो ये जॉब भी कॉन्ट्रैक्ट बेस है दोस्तों, पर आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए। इनकी नोटिफिकेशन में ये साफ साफ लिखा है कि ये कॉन्ट्रैक्ट मिनिमम 4 ईयर का होगा दोस्तों। तो कॉन्ट्रैक्ट ओवर होने के बाद क्या होता है इसमें, इसमें दो ऑप्शन होते हैं। एक ऑप्शन होता है कि वो आपका काम रिव्यू करने के बाद आपको परमानेंट कर देते हैं, परमानेंट एम्प्लॉय बना देते हैं। अदरवाइज सेकंड ऑप्शन होता है दोस्तों कि आपका उन्होंने वर्क तो डिटरमाइन किया, उनको लगा कि आप अच्छा काम कर रहे हैं तो आपका कॉन्ट्रैक्ट वो और एक्सटेंड कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल कि अगर आपका 5 ईयर का उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट किया हो तो आपका 5 ईयर और एक्सटेंड कर देंगे। तो ऐसे ही और इसमें थर्ड कंडीशन होती है, अगर उनको आपका काम अच्छा नहीं लगा तो आपको निकाल भी सकते हैं दोस्तों। तो इसलिए ये परमानेंट जॉब बिल्कुल नहीं है दोस्तों। तो उसकी हम फीस स्ट्रक्चर के बारे में दोस्तों बात करते हैं। तो जनरल ओबीसी के लिए 600 रुपीज़ इसकी फीस है, एंड एससी एसटी के लिए 100 रुपीज़ फीस है, और इसकी जो एज है वो 25 से 35 एज के लोग ही भर सकते हैं, एंड 5 ईयर रिलैक्सेशन एससी एसटी के लिए इसमें दिया गया है। तो चलिए दोस्तों मैं लैपटॉप पे चलता हूँ, आपको बताता हूँ कि आप खुद इसके फॉर्म कैसे फिल कर सकते हैं। चलिए तो लैपटॉप पे चलते हैं। चलिए दोस्तों आ चुके हैं हमारे लैपटॉप के ऊपर, मैं आपको बताता हूँ आप फॉर्म कैसे भर सकते हैं। उससे पहले दोस्तों आप एक बार इसकी नोटिफिकेशन देख लीजिए, जो इसकी ऑफिशियल नोटिफिकेशन है। इसकी लिंक दोस्तों मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे दी है, आप वहाँ से इसे ओपन करके देख सकते हैं दोस्तों। चलिए हम बिना कोई टाइम वेस्ट किए फॉर्म फिल करते हैं। तो आपको ये न्यू रजिस्ट्रेशन के ऊपर क्लिक करना है दोस्तों। उसके बाद आपको यहाँ पे अपनी पूरी डिटेल फिल करनी है, इधर कंटिन्यू कर दीजिए। उसके बाद आपको यहाँ पे अपनी पूरी डिटेल फिल करनी है, आपका फर्स्ट नेम, मिडल नेम, लास्ट नेम, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी। चलिए मैं कार्ड आपको फिल करके बता देता हूँ। फॉर्म फिल करने के बाद दोस्तों आपको सिंपली सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करना है, यानी तो ओके। उसके बाद दोस्तों आपका जो रजिस्ट्रेशन नंबर एंड पासवर्ड है ये आपको यहाँ पे दिख जाएगा, ये आपके ईमेल आईडी एंड मोबाइल नंबर दोनों पे सेंड कर दिया जाएगा दोस्तों। उसके बाद आपको सिंपली अपनी फोटो अपलोड करनी है, सिग्नेचर अपलोड करनी है, उसके बाद आपकी स्टडी की डिटेल आपको इसमें देनी है। तो चलिए मैं एक बार फोटो सिग्नेचर अपलोड कर देता हूँ। देन इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट, इसके बाद दोस्तों आपको आपका एरिया या पोजीशन सिलेक्ट करनी है, किस फील्ड में आपको जाना है, किस चीज के लिए आप एलिजिबल हैं तो सिलेक्ट कर लीजिए। फॉर एग्जांपल आप कुछ भी सिलेक्ट कर सकते हैं। देन उसके बाद उसकी डेजिग्नेशन जो भी है होगी, उसके बाद आपकी कास्ट जो लगती है वो आप सिलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद आपको जो भी इसमें डिटेल है आप अपने अकॉर्डिंग फिल कर सकते हैं, मैं भी अपने अकॉर्डिंग ये डिटेल फिल कर देता हूँ।
असेंबली में, उसके बाद आपको सेव एंड नेक्स्ट करना है। वन मोर एरर आ रही है, एरर देख लेते हैं। ओके हियर, एक बार चेक कर लीजिए अपने फॉर्म को, देन सिंपली सेव एंड नेक्स्ट आप कर दीजिए दोस्तों। उसके बाद दोस्तों आपकी ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन उन सबकी डिटेल फिल करने के बाद इसमें प्रीव्यू आपको करेगा, आपने जो भी इंफॉर्मेशन दी है। अगर आपको लगता है कि कोई इन्फॉर्मेशन आपसे बाई चांस गलत टाइप हो चुकी है तो उसे आप वापस से सुधार सकते हैं, मीन्स आप वो इन्फॉर्मेशन वापस से फिल कर सकते हैं। उसके बाद सिंपली फ्रेंड्स आपको पेमेंट करना है, पेमेंट आप ऑनलाइन कर सकते हैं, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड या ऑनलाइन वॉलेट के थ्रू आप पेमेंट कर सकते हैं दोस्तों। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही, उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही हो। तो प्लीज़ दोस्तों जो पहले हमारे ट्रैक चेंज हो रहे थे उसके लिए मैं एक और बार आपसे माफ़ी चाहता हूँ, और अब से हमारी वीडियो का जो भी ट्रैक होगा वो अब सेम ही रहेगा दोस्तों, इसमें अब कोई भी चेंज नहीं होगा। तो चलिए दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आएगा। थैंक यू फ्रेंड्स।